हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हैप्पी करवा चौथ। भाई, करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी, सब बहुत बिजी होंगे, इसलिए कोई भी फालतू की बातचीत यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मैं बात बताने वाली हूँ ना, बहुत ही काम की है। जब आपको मेकअप करना है करवा चौथ के लिए, तो उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए, अगर ये दो स्टेप आपने फॉलो कर लिए ना, तो आपका जो मेकअप है वो भी बहुत ही अच्छे से निखर के बाहर आएगा, और दूसरा आपका फेस जो है ना, शीशे की तरह ग्लो करेगा, इस बात की भाई गारंटी है। तो बहुत ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, पहला स्टेप जो है ये देखिए, मैंने दिया है कच्चा दूध, और इससे करेंगे हम फेस की क्लींजिंग। लेकिन सर्दियां हैं भाई, सर्दियों का खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आप ग्लिसरीन दूध में यूज करते हो, क्लींजिंग करते हो, तो आपका फेस जो है ना, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही ग्लोई रहता है। तो देखिए कितनी का लेनी है, अगर आप स्पून से ले रहे हो तो 1/4 स्पून आप इसकी ग्लिसरीन की ले सकते हो, और अगर आपने अंदाजे से लिया है मेरी तरह, तो लगभग 5 से 6 ड्रॉप्स आपने इसकी ग्लिसरीन की ऐड कर लेनी है। और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है, बस आपका, हाँ, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं ऐड कर रही। इससे भी काफी अच्छी हमारी स्किन जो है ग्लो करेगी और नरिश तो हो ही जाएगी। तो देखिए, अब मैंने कॉटन ली है, और कॉटन की हेल्प से मैं इसे इस तरह से पहले टैप टैप करते हुए लगाऊंगी। और अगर आपने फेस को अच्छी तरह से साफ नहीं किया है, मतलब फेस वॉश करके नहीं आए हो, तो अच्छी तरह से आप साफ भी कर सकते हो। इससे आपके पोर्स की डर्ट्स, गंदगी, वो भी बाहर निकल आएगी। और इस तरह से आपने इसको लगाना है, लगभग, मतलब थोड़ा सा इसको अब्जॉर्ब होने दीजिए फेस के अंदर। ये जो आपका कच्चा दूध है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, मतलब आपके फेस को निखारने का काम करेगा, ग्लो करने का काम करेगा। और दूसरा, जब आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप भी काला नहीं पड़ेगा। तो जो ये स्टेप मैं बताने वाली हूं, अगर आप खाली बस ये दूध ही अपने फेस पे लगा रहे हो, तो इसके बाद भी आप डायरेक्टली मेकअप कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से सूखने दीजिए, फेस को वॉश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपने, बस इस तरह से आप इसको लगा करके थोड़ी सी देर के लिए सूखने दीजिए। और दूसरा स्टेप अगर आपने नहीं भी फॉलो करना है तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला स्टेप आप मेकअप करने से पहले जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे से आपने फेशियल किया है, कुछ भी किया है। इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अगर आप चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत अच्छा ग्लो इससे आता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक है शहद और दूसरा है जी नींबू। अगर आपके स्किन पे नींबू सूट नहीं करता है, आप यूज नहीं करना चाहते हो, तो इसके जगह पे आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो करना क्या है, देखिए, ये ले लिया है मैंने शहद, मेरा ये बहुत ही फेवरेट वाला स्टेप है। मैं इसे जब भी कभी पार्टी फंक्शन के लिए मेकअप करना होता है ना, तो मैं जरूर यूज करती हूँ। ये आधी सी चम्मच लगभग मैंने ये शहद की ली है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और जितना हमने ये शहद लिया है, लगभग उतना सा ही हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। आपको सूट नहीं कर रहा है, आप ऑरेंज जूस ले सकते हो, बस कुछ नहीं करना। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए दोनों चीजों को अच्छी तरह से, दोनों चीजों को बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया है। और अब आप इसे लगा लीजिए अपने फेस पे डायरेक्टली इस तरह से। अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए और फिर अपने स्किन को मसाज कीजिए इस तरह से, जब तक ये अच्छी तरह से आपके फेस में अब्सॉर्ब ना हो जाए। और उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए, लगभग 5 से 10 मिनट तक आप इसे इसी तरह से लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ये वाला स्टेप भी फॉलो करती हूँ जब भी मुझे कहीं के लिए रेडी होना होता है, स्पेशल दिखना होता है। और आज का दिन तो भाई स्पेशल दिखने वाला ही है, मतलब हर लेडीज चाहती है कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल दिखे। तो बस लगभग 10 मिनट तक के लिए इसे इसी तरह से रहने दीजिए, और फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। तो इस तरह से मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है, और मैं जब भी शहद यूज करती हूँ ना, तो मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई लगती है। इसलिए ये वाला स्टेप अगर पॉसिबल होता है आपसे, तो जरूर फॉलो कीजिए। और इसके बाद फिर से बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो हमने किया था, मतलब दूध के अंदर ग्लिसरीन मिलाई तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टैप टैप करते हुए अपने फेस पे लगा लूंगी इस तरह से। और इसके बाद आपका चेहरा जो है ना रेडी है, मतलब आप कोई सा भी मेकअप कीजिए, लाइट कीजिए, हाई कीजिए, जैसा भी, हैवी, जो भी आप मेकअप करना चाहते हो कीजिए। तो इस तरह से इसको बस सूखने दीजिए थोड़ी सी देर के लिए अंदर, मतलब खुद ही सूख जाता है। और बस अब आपको कुछ नहीं करना। ये बहुत ही, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले स्टेप हैं। और इसके बाद मेकअप किस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल जैसा मेकअप, अगर आपके पास कम से कम भी आइटम्स है ना, तब भी आप इतना अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।